हेलो, वेलकम टू विप्रमाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनदर क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल चैप्टर फॉर क्लास 10th। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत से टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। सो नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क के लिए आपको आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो यहाँ पर क्या दिया है, द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू सी, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ, हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। दिस इज़ अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। तो इसका डिग्री क्या है, 4 है। सो इट्स अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज़ आर √2 एंड -√2। हमको इसके दो जीरोज़ दिए। अब इसके कितने जीरोज़ होंगे, सो दिस इज़ अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिग्री कितना है, 4। जितना डिग्री होगा उतना उसके जीरोज़ होंगे। एंड यू नो व्हाट इज़ ज़ीरो, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। व्हाट डू मीन बाय ज़ीरो? ज़ीरो इज़ दैट वैल्यू, जब हम वो वैल्यू वो एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब वो पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके बराबर आएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जैसे यहाँ पर एक्स एज अ वेरिएबल है, सो अगर मैं एक्स का वैल्यू, इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज √2 इन दिस इक्वेशन, सो आई विल गेट इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड -√2 भी पुट करूँगा तो आई विल गेट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ये दो ज़ीरोज़ हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द अनदर टू ज़ीरोज़, क्योंकि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 4 ज़ीरोज़ होंगे। जितना डिग्री होता है वो पॉलिनोमियल का, जो एक्सप्रेशन जो हमको दिया, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, जितना उसका डिग्री होगा उतने उसके ज़ीरोज़ होंगे। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसका डिग्री 2 होता है, तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पर डिग्री 4 है, सो इट विल बी, देर विल बी 4 ज़ीरोज़। ओके, सो 2 ज़ीरोज़ हमको दिया हुआ है। अब ये 2 ज़ीरोज़ के हेल्प से हम अदर 2 ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द फर्स्ट वन, तो अभी यहाँ पर क्या दिया है, √2 एंड -√2 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ दी गिवेन पॉलिनोमियल, ऑफ दी गिवेन पॉलिनोमियल। अगर ये ज़ीरोज़ है, सो कैन आई राइट देयरफॉर एक्स -√2 एंड एक्स +√2, √2 इज़ द फैक्टर ऑफ, इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवेन पॉलिनोमियल। सो दे विल बी द फैक्टर्स ऑफ गिवेन पॉलिनोमियल। अब जैसे कि लास्ट सेशन अगर आपने देखा होगा, वहाँ पर भी हम जब ज़ीरोज़ होता है, सो अगर मैं उसको एज अ फैक्टर फॉर्म में लिखूँ, तो जैसे एक्स इक्वल्स टू -4 है, तो एक्स +4 विल बी अ फैक्टर ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जैसे √2 है, तो इधर प्लस साइन है, तो अगर मैं एज अ फैक्टर फॉर्म में, तो एक्स -√2 उसका फैक्टर होगा। अब -√2 है तो मैं एक्स +√2 आर दी फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर एक्स -√2 एंड एक्स +√2, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू, देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी। सो फॉर्मूला हमको पता है, ये आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी का इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर -√2 स्क्वायर। सो दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर -√2 स्क्वायर इज 2। सो इज द फैक्टर ऑफ गिवेन पॉलिनोमियल। सो ये जो एक्स स्क्वायर -2 जो है वो ये जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है। अब जैसे अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, तो इसमें देखो मुझे 4 फैक्टर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 4 फैक्टर। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करता हूँ तो 2 फैक्टर्स मिलते हैं, जैसे एक्स प्लस ए, एक्स माइनस बी, समथिंग ऐसा कुछ आपको वैल्यूज़ मिलता है। वैसे यहाँ पर कैसे 4 वैसे फैक्टर्स मिलेंगे, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी एंड एक्स प्लस डी, ऐसे फॉर्मेट में मिलेंगे 4। तो उसमें से 2 तो हमको मिल गया, एक्स, जैसे मैं बोला एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में, ये 2 फैक्टर्स है। वैसे हमको और 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये इसका फैक्टर है, ये जो बाई क्वाड्रेटिक है उसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है, सो 9th स्टैंडर्ड में आपने फैक्टर थियरम पढ़ा होगा, सो वहाँ पर अगर ये फैक्टर है, तो अगर मैं इससे ये पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूँगा, ये वाले पॉलिनोमियल से, सो आई गेट इक्वल्स टू रिमाइंडर एज 0। क्या मिलेगा, 0। तो मुझे उसके और
जो फैक्टर्स है वो भी मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे उसके और जो फैक्टर्स है वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब देखो रिमाइंडर ज़ीरो है, तो जो पॉलिनॉमियल होगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो ज़ीरो हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर ज़ीरो है मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर है। तो जो हमको यहाँ पर मिलेगा प्लीज़ इधर ध्यान दीजिए, अब जैसे मैं बोला डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो अगर ये रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है तो अब क्या बचा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, तो ये डिवाइजर जो है वो फैक्टर है ही, क्योंकि यहाँ पर डिवाइजर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू जिससे हम ये फैक्टर अपना ये पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे, इंटू क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन भी क्या होगा एक उसका फैक्टर ही होगा, ये जो क्वेश्चन होगा वो भी क्या होगा इसका जो फैक्टर है दूसरा दो जो फैक्टर है वो हमको मिल जाएगा प्लस रिमाइंडर तो यहाँ पर ज़ीरो है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो मतलब दिस एंड दिस आर नथिंग बट द टू फैक्टर्स ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। हाँ तो वो डायरेक्टली वो हमको डायरेक्टली एज अ फैक्टर मिल जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर अगर ज़ीरो है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर डिवाइज़र हमको मालूम है डिविडेंड मालूम है, डिवाइज़र हम इसको लेंगे और ये हमारा डिविडेंड होगा, तो जो क्वेश्चन मिलेगा वो दूसरे जो फैक्टर्स हमको दो फैक्टर्स चाहिए उससे हमको क्वेश्चन से मिल जाएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा, क्या ना करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस टू से इसको डिवाइड कर देंगे, 2x रेज टू 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x-2। सो क्या करेंगे डिवाइडिंग दी गिवन पॉलिनॉमियल बाय x² -2 से डिवाइड करेंगे। सो होप यू नो द लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमारा 9th स्टैंडर्ड का जो पॉलिनॉमियल चैप्टर है उसमें हमने एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पर वापस हम कर ही रहे तो मैं एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ शॉर्ट में। अब यहाँ पर क्या चाहिए मुझे 2x रेज टू 4, तो x² से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ सो आई गेट 2x रेज टू 4 दैट इज 2x². सो x² इंटू 2x² इज 2x रेज टू 4 एंड 2x² -2 इज -4x², क्या हो जाएगा -4x², सॉरी ये यहाँ पर ये टर्म आएगा, ये क्या आएगा -x² टर्म के नीचे, सो -4x². सो नाउ अब ये टर्म माइनस होंगे तो जब ब्रैकेट ओपन होता है तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया ये कैंसिल हो गया। नाउ -3x³ देन -3x² प्लस 4x², तो कितना हो जाएगा +x², क्या हो जाएगा +x² दैट इज 1x² दैट इज +x² प्लस 6x-2। अब क्या चाहिए मुझे -3x³, तो x² से क्या मल्टीप्लाई हो सो आई गेट -3x² दैट इज -3 × x² करूँगा तो -3x², बट मुझे x³ चाहिए तो x भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो -3x × x² इज -3x³ हो जाएगा एंड -3x × -2 इज +6x, क्या हो जाएगा +6x। सो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, सो दिस विल गेट कैंसिल और +6x - 6x विल गेट कैंसिल। तो अब क्या बचा x² -2। नाउ अभी x² से क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट x² दैट इज 1, सो 1 × x² इज x² एंड 1 × -2 इज -2, सो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, इसके कैंसिल रिमाइंडर रिमाइंडर ज़ीरो ही आएगा अगर आपने ये जो फैक्टर्स है उसको प्रॉपर बनाया है, तो ये जो फैक्टर है जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो ही आना चाहिए बिकॉज वो उसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर अगर ज़ीरो नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक किया होगा। ओके सो नाउ वी गॉट दिस एज अ रिमाइंडर इज ज़ीरो, सो नाउ अब हमको मालूम है डिविडेंड डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड क्या है 2x रेज टू 4 -3x³ -3x² प्लस 6x-2 इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है x² -2 एंड क्वेश्चन क्या है 2x² - 3x+1 रिमाइंडर 0। ओके सो मतलब ये वैल्यू जो है इज नथिंग बट इक्वल्स टू दिस इनटू दिस प्लस 0, तो दैट इज नथिंग। सो अब देखो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, अब ये x रेज टू 4 है तो ये कौन से फॉर्मेट में इसके फैक्टर्स होंगे x+a x+b x+c x+d,
तो चार फैक्टर्स होंगे यहाँ पर, तो ये दो फैक्टर्स जो है वो तो हमको मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू जो है दैट इज एक्स एक्स माइनस रूट टू एंड एक्स प्लस रूट टू दैट इज रूट टू एंड माइनस रूट टू। तो इससे तो मुझे दो फैक्टर्स तो मिल ही चुके हैं। अब ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो इससे मुझे दो और ज़ीरो मिल जाएंगे जो इसके फैक्टर्स हैं, हाँ दो इसके ज़ीरोज़ हैं। ओके सो अब क्या करेंगे हम, ये जो है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो होप यू नो द हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो इसका ज़ीरोज़ निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सो अगर मुझे ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना है तो मैं ये इक्वेशन को, ये पॉलिनॉमियल को मैं किससे इक्वेट करूँगा, ज़ीरो से, दैट इज़ 2x² प्लस सॉरी माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो से इक्वेट करूँगा। ओके सो नाउ क्या हो जाएगा ये, अभी मुझे प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए, 2 × 1 दैट इज़ 2, तो मुझे मल्टीप्लाई करके प्लस 2 आना चाहिए एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके -3 आना चाहिए। तो 2 × 1 2 होता है एंड 2 + 1 3 हो जाता है, बट मुझे -3 चाहिए दैट इज़ -2 और -1। सो ये हो जाएगा -2x -1x दैट इज़ -x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में 2 और x कॉमन है, सो ये क्या हो जाएगा x माइनस यहाँ 1 बचा, इन दोनों में क्या कॉमन है दैट इज़ 1, हाँ क्या कॉमन है दोनों में 1, सो 1 कॉमन आ गया। सो इधर बचेगा x प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 × 1 1 रहेगा इक्वल्स टू 0। सो अभी x माइनस 1 दोनों में कॉमन है एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1 एंड 2x इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2। सो द अदर टू जीरोज़ जो है दैट इज़ 1 एंड 1/2, तो उसके चार जीरोज़ होंगे, तो उसमें से रूट टू एंड माइनस रूट टू उसके दो जीरोज़ थे जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ था, एंड द अदर टू जीरोज़ आर नथिंग बट 1 एंड 1/2। सो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ दैट गिवन पॉलिनॉमियल अगर हमको दो जीरोज दिया हुआ है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, मतलब आपको दो जीरो दिया तो वो दो जीरोज से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, वो उसका फैक्टर होगा, और जब एक्स रेज टू 4 है दैट इज बाय क्वाड्रेटिक को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जो आएगा वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। सो वी नो दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जीरो है तो डायरेक्टली मुझे उसके दो जो फैक्टर्स है वो डायरेक्टली मिल जाएगा, दैट इज़ डिवाइजर जो ऑलरेडी हमको एक्स स्क्वायर माइनस टू, और जो क्वेश्चन होगा वो भी एक उसका फैक्टर होगा जो ये आया, फिन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा आपको, और उसको हम क्या करेंगे आगे फैक्टराइज करेंगे, उसके जीरो से अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इक्वेट विद जीरो, तो नॉर्मल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमको एक्स का वैल्यूज मिल जाएगा, दैट इज यहाँ पर 1 एंड 1/2 मिला। हेलो बच्चों, आर यू स्टिल कंफ्यूज अबाउट योर करियर? यू आर थिंकिंग दैट इन विच फील्ड यू शुड गो टू मेक योर करियर? जैसे कि लास्ट टाइम अनअकैडमी हैज ऑर्गेनाइज करियर क्वेस्ट, जहाँ पर कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया गया, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड, और यू वॉन्ट टू बिकम चार्टेड अकाउंटेंट, सो ये फील्ड्स के बारे में बात किया गया। बट अगर आपको ये फील्ड्स में नहीं जाना है, यू वॉन्ट टू मेक योर करियर इन अनकन्वेंशनल इंडस्ट्रीज लाइक यू वॉन्ट टू बिकम आरजे, यू वॉन्ट टू बिकम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और यू वॉन्ट टू बिकम एन ऑथर, और यू वॉन्ट टू बिकम एन एंकर, सो ऐसे फील्ड्स में अगर आपको करियर बनाना है, सो अगेन अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग करियर क्वेस्ट ऑन 20th of December 2020। सो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, अगर आपको कोई भी फील्ड में करियर बनाना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फील्ड्स के नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो पर्टिकुलर फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आपका जो इंटरेस्ट है एंड आपका जो स्ट्रेंथ है वो पर्टिकुलर फील्ड में फिट बैठता है कि नहीं। ये सारी एनालिसिस करने के बाद अगर वो पर्टिकुलर फील्ड में आप जाते हैं तो आई एम श्योर आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे वो फील्ड में। सो ये सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग करियर क्वेस्ट, जहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स के टॉप एक्सपर्ट्स आपको आएंगे और गाइड करेंगे और नॉलेज देंगे कि पर्टिकुलर फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सो स्पीकर्स लाइक गौतम भीमानी, हु इज स्पोर्ट्स प्रेजेंटर एंड कॉमेंटेटर, आपने इनको टीवी पे देखा होगा,
कुणाल विजयकर हु इज ऑथर एंड टीवी पर्सनालिटी, फिलिप रॉस हु इज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, शबनम पांडे हु इज लॉयर एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन, अरुण जोसेफ हु इज रेडियो जॉकी दैट इज आरजे एंड टीवी एंकर. सो ऐसे और भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं टू हेल्प यू आउट एंड टू क्लियर ऑल दिस कंफ्यूजन जो आपको ये फील्ड्स को लेके है. सो जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ. ये सेशन जो है वो टोटली फ्री है और ये फ्री कंटेंट जो है या फ्री सेशन जो है इसको एक्सेस करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा एंड दैट इज आरएल तिवारी. सो जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ. Now we'll see one more numerical based on this. अब यहाँ पर क्या दिया, obtain all the zeros of 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. If two of his zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. Okay. So now zeros क्या क्या दिया हमको, root 5 by 3 and माइनस रूट फाइव बाई थ्री आर दी जीरोस ऑफ दी गिवन पॉलिनोमियल. ओके सो इफ दे आर जीरोस सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रूट ये जो है रूट फाइव बाई थ्री दैट इज एक्स माइनस रूट फाइव बाई थ्री एंड यहाँ माइनस है तो प्लस, एक्स प्लस रूट फाइव बाई थ्री वो उसके फैक्टर्स होंगे. सो दिस कैन बी नथिंग बट इक्वल्स टू a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज रूट फाइव बाई थ्री द होल स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव बाई थ्री द होल स्क्वायर विल बी फाइव बाई थ्री. रूट का स्क्वायर जो होगा वो जो रूट के अंदर वैल्यू वो एज इट इज दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री. ओके नाउ ये इसका फैक्टर है, दैट इज अ वन क्वाड्रेटिक फैक्टर उसका. सो नाउ अगर ये इसका फैक्टर है, अब मैं क्या करूँगा, नाउ डिवाइडिंग वही सेम प्रोसीजर, नाउ डिवाइडिंग द गिवन पॉलिनोमियल बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाय थ्री से हम डिवाइड करते हैं. ओके सो यहाँ पर जो गिवन पॉलिनोमियल है दैट इज थ्री एक्स रेज टू फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव वी हैव टू डिवाइडेड बाय माइनस फाइव बाय थ्री. ओके सो नाउ फर्स्ट टर्म हमको क्या चाहिए, थ्री एक्स रेज टू फोर, तो एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज थ्री एक्स रेज टू फोर एंड थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री. सो देखो थ्री एक्स स्क्वायर इंटू फाइव बाई थ्री तो थ्री थ्री विल गेट कैंसल, फाइव इंटू एक्स स्क्वायर इज फाइव एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा फाइव एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस फाइव एक्स स्क्वायर क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस फाइव एक्स स्क्वायर और थ्री थ्री तो कैंसिल हो गया. सो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस. सो दिस विल गेट कैंसल्ड. नाउ सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर इज प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव. ओके नाउ नेक्स्ट इज सिक्स एक्स क्यूब चाहिए मुझे तो क्या मल्टीप्लाई करूँगा इससे, सिक्स एक्स क्या एक्स स्क्वायर से सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिक्स एक्स क्यूब हो जाएगा. नाउ सिक्स एक्स इंटू देखो सिक्स एक्स इंटू माइनस फाइव बाई थ्री दैट इज फाइव बाई थ्री पहले कंसिडर कर माइनस बाद में कैसे तो ये वन टू सो टू एक्स इंटू फाइव दैट इज माइनस टेन हो जाएगा. कितना हो जाएगा, माइनस टेन एक्स हो जाएगा माइनस टेन एक्स. सो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. सो दिस विल गेट कैंसल, दिस विल गेट कैंसल. सो क्या बचा, थ्री एक्स स्क्वायर एंड माइनस फाइव. नाउ वी वॉन्ट थ्री एक्स स्क्वायर तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से करेंगे. सो थ्री इंटू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर थ्री इंटू माइनस फाइव बाई थ्री करेंगे. देखो थ्री इंटू माइनस फाइव बाई थ्री 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 गेट कैंसिल सो माइनस फाइव बचेगा. तो ये प्लस है तो माइनस
प्लस माइनस है तो प्लस, यस कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। सो रिमाइंडर जीरो। अब अगेन तो वी नो दैट डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके सो डिविडेंड क्या है, 3x^4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इक्वल्स टू डिवाइजर। व्हाट इज डिवाइजर हियर, इज x² माइनस 5/3। और क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस 6x प्लस 3, एंड रिमाइंडर क्या है, 0 प्लस 0। सो अब ये एक फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इससे दो जीरोस क्या आया वो हमको मालूम है, माइनस √5/3 एंड प्लस √5/3। अब नेक्स्ट टू जीरोस है हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव टू इक्वेट विद जीरो, सो 3x² प्लस 6x प्लस 3 विल इक्वेट विद इक्वल्स टू जीरो। ओके सो नाउ अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर थ्री कॉमन है, सब में थ्री कॉमन। तो जब भी कुछ कॉमन फैक्टर होता है सब में, तो वो हम बाहर ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिया, तो x² प्लस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। फिर थ्री को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो जीरो डिवाइड बाय थ्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। नाउ अब इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो वी वॉन्ट इधर कुछ नहीं, मतलब 1 1 × 1 1 एंड समेशन टर्म क्या चाहिए, 2, दैट इज़ 1 × 1। तो 1 + 1 = 2 एंड 1 × 1 = 1। सो x² प्लस 1x दैट इज x, 1x दैट इज x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। सो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो x प्लस 1 0। सो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। सो x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो और x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, दैट इज x इज माइनस 1, x इज माइनस 1। सो दो जीरो से इसके क्या है, द रिमेनिंग टू जीरोज आर माइनस 1 एंड माइनस 1, दैट इज द सेम। हाँ दो रिमेनिंग दो जीरोज है वो सेम है, दैट इज माइनस 1। सो व्हाट आर दिस अदर टू जीरोज, माइनस 1 एंड माइनस 1। ओके सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पर हमको क्या दिया है, दो जीरोस दिया और रिमेनिंग टू जीरोस फाइंड आउट करना है। ओके अभी कुछ लोग यहाँ पर जो मैंने 5/3 लिया है, आप ये फैक्टर जो है आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 3x² माइनस 5, हाँ माइनस 5, बाद में ये डिवाइड बाय 3 आएगा, फिर इसको अगर हम जीरो से इक्वेट करते तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो 3x² माइनस 5, मतलब 3x² माइनस 5 को भी एज अ फैक्टर लेके, जैसे यहाँ पर मैंने डिवाइजर लिया ये, आप ये भी लेके करेंगे 3x² माइनस 5, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम। हाँ यहाँ पर आपका ये जो डिवाइजर, ये क्वेश्चन आएगा वो अलग आएगा, अलग मीन्स ये जो 3 जो कॉमन आ रहा है वो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्रॉस मैंने ये 3 जो है यहाँ के 0 × 3 0 हो गया। तो जिसे यहाँ पर हमको जब मैंने फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर 3 एज अ कॉमन फैक्टर आया एंड देन यहाँ के डिवाइड होकर 0 हो गया, तो वो आपको डायरेक्टली वहाँ क्या आ जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1 ये आ जाएगा, 3 कॉमन नहीं आएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, या आप एज अ फ्रैक्शन में भी लेके करेंगे, तो यहाँ पर फ्रैक्शन लेके किया तो नॉर्मली यहाँ पर हमको कुछ फ्रैक्शन में नहीं आया, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट अगर आपको फ्रैक्शन में आ रहा है और यहाँ पर भी प्लस माइनस करने में यहाँ पर भी फ्रैक्शन में अगर टर्म आ रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है, बच्चे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ होता है, बट यहाँ पर जो डायरेक्टली हो गया। तो इनकेस अगर आपको स्कूल में 3x² माइनस 5 एज अ फैक्टर लेके गया, दैट मीन द सेम थिंग, आप वैसा करें, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके अगर मैं जीरोज निकालूंगा तो इसके जीरोज और 3x² माइनस 5 के जीरोज, देर आर नथिंग बट द सेम। हाँ सो दोनों वैसे आप कर सकते हो, होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट दोनों क्वेश्चन में, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है, तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। तो होप यू हैव अंडरस्टूड, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।